हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास सेवन्थ का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि न्यू मैथ आया है 2021-22 का। देखेंगे तो हम देखते हैं इस मैथ के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे पास, तो देखते हैं। तो देखो आपके सामने ये हमारे चैप्टर है, तो चैप्टर कौन कौन से है तो आप देख सकते हो। पहला है हमारा इंटीजर चैप्टर, दूसरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डेटा हैंडलिंग, मतलब लगभग वही चैप्टर है, सिंपल इक्वेशन, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, ये सारे चैप्टर देखे तो वही चैप्टर है, ठीक है। तो देखें नंबर में 15 चैप्टर है, बट थोड़ा थोड़ा इनके अंदर थोड़ा चेंजेस की गए तो वो हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर से स्टार्ट करेंगे और सभी के सभी चैप्टर हम कवर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब के ऊपर ये नए मैथ जो क्लास सेवन का न्यू मैथ आया है इसके ऊपर वीडियो नहीं पड़ी है ना, तो इसी बेस पर हमने क्या किया है कि भाई इस क्लास सेवन्थ के मैथ की वीडियो प्रोवाइड की जाए बच्चों को, ठीक है। क्योंकि नया मैथ है, बच्चे अगर सर्च करेंगे तो उनको नया मैथ मिलेगा नहीं, पुराना मैथ मिलेगा, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन ना चले जाए, तो हम न्यू मैथ के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहना, आपको सब चैप्टर की, जितने भी चैप्टर, सभी चैप्टर की आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कौन से होते हैं, तो सारे वो, जैसे अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर आप सबको पता है, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूँ होल नंबर की तो उसमें क्या होता है, 0 इंक्लूड हो जाता है और बाकी ये सारे नेचुरल नंबर होते ही होते हैं उसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, तो इंटीजर में क्या होते हैं, इंटीजर में हमारे पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे सभी, ठीक है, और साथ में नेगेटिव भी आ जाएंगे, सभी के सभी नेगेटिव होल नंबर भी आ जाएंगे। अब आपको होल नंबर, जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन के अंदर बीच में 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ -2, तो ये नंबर लाइन जो होती है हमारी इंटीजर कहलाती है। तो इतना बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भाई इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन होती है अगर 0 से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये क्या है, आर पॉजिटिव इंटीजर है, -1, -2, -3, -4 आर नेगेटिव इंटीजर है, और 0 जो होता है वो क्या है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। 0, 0 ही होता है, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव। ये देखो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक इंटीजर, इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है, ये जो नंबर लाइन है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, तो ये क्या होता है, तो ये मॉडुलस होता है, ठीक है। यस, तो ये बाद में हम करेंगे बात, तो आगे देखते हैं। चलो बता ही देता हूँ मैं, मॉडुलस क्या होता है, अगर किसी भी डिजिट को, नेगेटिव डिजिट जैसे -5 को अगर मैं मॉडुलस में रखूँ तो इसका आंसर हमेशा प्लस का देता है। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को मतलब ख़त्म कर देता है और वो पॉजिटिव में आंसर देता है, तो ये हमारा होता है मॉडुलस, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर, राइट ऑल इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5, तो -5 और 5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, तो आपको पता है -5, तो अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, जैसे ये नंबर लाइन है तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, तो यहाँ -4, यहाँ -4 आ जाएगा, तो ऐसे जाके यहाँ -4 से स्टार्ट हो, आगे -5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 तक होगा और यहाँ भी पीछे 4 होंगे, तो ये सारे के सारे डिजिट क्या होंगे हमारे, -5 से लेके 5 के बीच में होंगे। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, बिटवीन -20 टू -13, तो -20 से इधर देखें तो -19, -18, -17, -16, -14, -15, तो ये सारे नंबर हमारे इनके बीच में आ जाएंगे। नंबर लाइन को अगर हम देखेंगे ध्यान से, ये देखो नंबर लाइन को देखोगे तो सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रही है, तो कंपेयर द इंटीजर, इंटीजर को कंपेयर करना है। अब देखो -7 एंड 0, बताओ -7, 0 से क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या इक्वल टू होगा, क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँ, इस नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो ध्यान से देखना आप, यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये क्या बात कर रहे हैं, इस 0 की बात कर रहे हैं, है ना, और किसकी बात कर रहे हैं, ये -7 की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी नंबर इस साइड जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बड़ा होगा, अगर इस साइड जाएगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना, मतलब ये छोटा होगा। तो अब ये -7 छोटा है या बड़ा है, इस साइड जा रहा है तो नेगेटिव, मतलब छोटा नंबर होता है, तो कभी भी अगर इस साइड जाएगा तो वो हमेशा क्या होता है,
छोटा नंबर कहलाएगा। तो ज़ीरो इस साइड है तो बड़ा होगा, तो माइनस सेवन क्या होगा, छोटा होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहें, माइनस सेवन इज़ लेस देन ज़ीरो, तो माइनस सेवन क्या है, लेस देन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ माइनस फाइव ज़ीरो से क्या होगा, लेस देन होगा। माइनस टू ज़ीरो से क्या होगा, लेस देन होगा। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस फाइव एंड माइनस थर्टीन के बीच में क्या होगा, तो माइनस फाइव और माइनस थर्टीन। अब देखो मुझे माइनस फाइव कहाँ है, तो माइनस फाइव कुछ मुझे यहाँ दिख रहे हैं, है ना। और माइनस थर्टीन कहाँ होगा, कुछ यहाँ जाके माइनस थर्टीन होगा। तो बताओ पहले कौन आ रहा है, पहले माइनस फाइव आ रहा है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या होगा, बड़ा होगा। और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि माइनस थर्टीन क्या होगा, माइनस थर्टीन क्या होगा, लेस देन होगा माइनस फाइव से, या जितने फाइव से पूछ रहे हैं माइनस फाइव से, तो यही बोल रहे हैं माइनस फाइव क्या होगा, ग्रेटर देन होगा माइनस थर्टीन से। हाँ ठीक है, मैंने कहा कि माइनस थर्टीन लेस देन होगा माइनस फाइव से, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ माइनस फाइव ग्रेटर देन होगा माइनस थर्टीन से। अगर ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये भी दोनों कंडीशन फ्लोर हो सकती है, ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो माइनस 93 है और माइनस 128 है, 193 और माइनस 123। तो बताओ 128, तो इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप कह सकते हो 193 बड़ा है। तो मतलब कि ये इस साइड जाएगा ना, ये हमारा इस साइड जाएगा, फॉलो करेगा। और जो माइनस 28 है वो कुछ इस यहाँ इस साइड होगा, यहाँ होगा, तो ये यहाँ होगा। तो इसका मतलब जो माइनस 193 है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो छोटा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस 26 सीधा ही दिख रहा है, माइनस 26 है वो छोटा होगा हमारा। तो आप ये कर सकते हो, ये आगे था जी मॉडुलस के आगे हमारे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया था मॉडुलस क्या होता है। अगर किसी भी नंबर का मैं मॉडुलस लेता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर मैं मॉडुलस लेता हूँ माइनस फाइव का, मैं मॉडुलस लेता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा। मैंने बताया था कि ये माइनस को क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, मतलब फाइव देगा। अगर मैं बात करता हूँ माइनस फोर की, तो ये कितना देगा मेरे पास, सॉरी फोर दे देगा, ठीक है। तो ये क्या करता क्या होता है, तो ये निगलेक्ट कर देता है निशान को। जैसे कि पहली एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पहली एग्जाम्पल में क्या कह रहा है ये कि 17 माइनस माइनस 12 है। तो 17 है, 17 माइनस माइनस 12 है। अब बताओ 17 है यहाँ माइनस, ये इसको बाहर निकल के क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा 12। अब 17 माइनस 12 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। मतलब कि अंदर जो माइनस था उसने इसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, तो आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। और आगे है फोर्थ एग्जांपल, तो फोर्थ एग्जांपल करते हैं और आपने सम अपने आप करने हैं, फिर अगली वीडियो में सारे सम भी कराऊंगा। तो एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में लगाना, और डिसेंडिंग होता है घटते क्रम में लगाना। मतलब कि अगर असेंडिंग बोल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सबसे बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ 2, 4, 6 के अंदर, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? तो अगर मैं बात करूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। मतलब ये पहले क्या रहा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आपको पता है नेगेटिव वाला सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है। तो नेगेटिव वाला सबसे बड़ा माइनस 172 आ जाएगा, माइनस 172 हमारे पास आ जाएगा, ये देखो। उसके बाद देखो कि माइनस वाला कौन सा है इससे थोड़ा सा नीचे, तो आप देख सकते हो माइनस 87 हो, तो 87 आ जाएगा। फिर उससे मतलब कि माइनस वाला जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो माइनस 23 आप देख सकते हो, माइनस 23 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। पहले सभी माइनस माइनस वाले आएंगे, क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन के अंदर माइनस वाले सभी छोटे होते हैं। उसके बाद आप देखते हो तो 18 जो है हमारा 18 आ जाएगा, फिर 87 आ जाएगा। उसके बाद तो ये तो रेंज आप आराम से कर लो कि 18 बड़ा है, फिर 87 आ जाए, फिर 130। मतलब माइनस वाले याद रखना है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा माइनस वाला। अगर मैं कहता हूँ, ये ध्यान से देखना, अगर मैं आपको कहता हूँ कि माइनस 5 और माइनस 6, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो इसमें से बड़ा अगर आप कहोगे तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, मतलब कि ये हम कह सकते हैं ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, तो आप कह सकते हो कि माइनस वाले जो जितने बड़े होंगे उतने ही वो नंबर छोटे होंगे, और जो पॉजिटिव में होता है जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, नेगेटिव में ये काम जो उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। सभी के सभी जो मैंने भी करवाए हैं फर्स्ट
आप बता सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड थर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग है, उसके बाद ये वाले माइनस वाले मॉडुलस वाले आप कर सकते हो। तो ये अपने अपने आप ट्राई करनी है। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।